वो हमारे लिए प्रणम्य होती है। जैसे आपके विवेकानंद जी के गुरु महाराज हुए, एक काली की मूर्ति के सामने बैठ के वो पूजा किया करते थे, तब मन के सभी भाव को, देवी के 8 हाथ थे, तब उन्होंने 2 ही रखे, बाकी सभी को अपने हाथ से ही बाहर निकाल दिया मूर्ति से। तब वो ऐसे पूछते थे, क्योंकि माता को साड़ी नहीं बन पाती थी, तब वो ऐसे पूछते थे माता को। और विवेकानंद जी महाराज ने जब मांगा कि प्रभु मुझे क्या कहते ज्ञान दीजिए, लेकिन मन में कोई और चिंता रहती थी, तब वो मन की चिंता को लेके उनके पास गया कि मेरे बाद अगर मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा। तब वो उनको माता के पास भेज देते थे कि माँ के पास जाओ और मांग लो। 3 बार वो गए, लेकिन 3 बार जाके माँ से अपने परिवार की सुख शांति नहीं मांग पे आके, केवल ज्ञान की धारा ही उन्होंने चाही और वो ज्ञान ही उन्होंने प्राप्त किया। तब उनकी काली की मूर्ति, जो दक्षिणा मूर्ति काली कहलाती है, दक्षिण मूर्ति काली कहलाती है ना, है ना, उस काली की मूर्ति को आज सर्वस्व जगत पूजता है। ऐसी एक छोटी सी तस्वीर जो मनु भैया के दिल में रहती है, कोकिला वन वाले की, जिस तस्वीर की आंखों से 2 रश्मियां निकलकर हमारे मस्तिष्क में समा गई, तो वो ऊर्जावान तस्वीर होती है और उसके दर्शन करने से ही आपको लाभ होता है। अब आप शनिदेव महाराज का दर्शन करके ही यहाँ से जाएंगे। जिस तस्वीर ने मुझे आज 20 साल तक अपने से जोड़े रखा और मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए, सकल मार्ग छुड़ाकर मुझे भगवत भक्ति पर लगाया, आपकी सेवा पर लगाया, मैं मानता हूँ कि वो आपके लिए दर्शनीय होनी चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि उसके सामने खड़े होकर कहने से ही आपके रोगों का शरण हो जाएगा और वो आपके घर घर में पहुँचेंगे, किसी को स्वप्न में दर्शन देंगे, किसी की स्वप्न में क्रिया निकालेंगे। फिर भी सुनील भैया ने आज भी देखा, पहले भी देखा, कि लोग अब आ रहे हैं तो जो दीप दान कर रहे हैं उनको उनकी क्रिया घर पे जाके बताई जा रही है, और देवता बताते हैं बकायदा कि आपके 3 प्रेत रह गए, आपके घर में ये चीज़ थी, आपका ये चीज़ थी, आपकी ये शरण हो गई, आपका ये बाकी रह गया। तो ऐसी देवता कृपा कर रहे हैं और उनको निकाल निकाल के लेके आ रहे हैं। बोलिए जय शनिदेव। वेद ऐसे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक तो वेद महर्षि दयानंद ने बीच में छपवाए थे, दयानंद के वही मेरे पास, वही मैं रखता हूँ। कौन कौन से वाले हैं बाबा? वेद तो सारे हैं, दयानंद, महर्षि दयानंद वाले। महर्षि दयानंद ने ही इतनी मेहनत की थी कि वेदों को दोबारा वह उनका उद्धार किया और वेदों को दोबारा लोगों के बीच में लेके आए। तब आपने कौन से सन में खरीदे थे? 78 के करीब में खरीदे होंगे, 1978-80 के आसपास, 78 से पीछे खरीदे थे। तब कितने रुपए का था? पहले 170 रुपए का था, 300 रुपए का है, 30 का 300, हाँ 300 के आए। दो पुस्तक में है ना, दो में, चलो जी आप चलो, अलग है, मेरे पास एक में 3 है, एक में 1 है। चलने की इजाजत मिलेगी भाई? चाय पीनी है सभी को, आना नहीं है ना, चाय पी के जाना भाई, चाय तो हाथ में घूम रही है सब। अरे भाई।